गबू, इतना बड़ा मिठाई का डब्बा लिया है, कहाँ जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कल ना मेरे मौसा जी आए थे बर्दवान से, तो सीता भोग लाए थे और मैं ही दाना, इसीलिए मैं उस मिठाई में से टब्बू के लिए भी ले जा रहा हूँ। मगर तू परेशान मत हो, तुम्हें भी मिठाई मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा नहीं पूरा चाहिए। तुम स्कूल जा, ये तो बहुत अच्छा खबर है। मैं एक दो काम करके मैं भी स्कूल आ रहा हूँ, तू जा। तुम स्कूल जा रहा है? मैं तो तेरे पास ही आ रहा था। क्यों, क्या हुआ पोपट भैया? तो सुन गब्बू, इस रास्ते से स्कूल जा रहा है और उसके हाथों में बहुत बड़ा मिठाई का डब्बा है। मैं उसको बाटों में फंसाऊंगा, तब तक तुम मिठाई का डब्बा गायब कर देना, तो उसमें से मुझे भी मिलेगा ना भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। ओ रहा गबू भैया आ रहा है, फटाफट दीवार के पीछे छिपो। ठीक है, मैं छिप जा रहा हूँ। क्या रे, तू क्या कर रहा है, स्कूल नहीं जाएगा क्या? अरे देखना, साइकिल का चैन गिर गया, ठीक नहीं हो रहा है, तुम थोड़ा कोशिश करना। ठीक है रुको, मैं देख रहा हूँ क्या हुआ है। ये देख, तेरे साइकिल में चैन लग गया है। ठीक है, ये क्या, मेरा बड़ा मिठाई का डब्बा कहाँ गायब हो गया? देख, शायद कौवा लेके चला गया होगा, मैं चलता हूँ। अब मैं समझ, क्या बात है? क्या समझा तू? तेरा मिठाई का डब्बा उसी ने गायब किया है। उफ, तुझे खिला नहीं पाया मिठाई, बहुत अफसोस हो रहा है। तू अफसोस मत कर, मैं टिफिन बॉक्स में चिकन पकौड़ लाया हूँ, हम दोनों मिलकर खाएंगे। चल क्लास चलते हैं। अच्छा चांदू, ये बताओ खुरदुरा पर्वत कहाँ है? जी घुडूरा पर्वत। और तुम बताओ मंगल पर्वत किसे कहा जाता है? मैं बोलूं सर, मैं आपके लिए ना सीता भोग और मेहदाना लाया हूँ, टेस्ट कीजिए ना सर। लीजिए। हाँ दो मुझे दो। ओए टब्बू, देखो मेरा मिठाई का डब्बा, वही तो लिया है। रुको रुको, दूसरे का मिठाई लेकर तुम दूसरे को खिलाते हो, रुको मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। ओम टरपुक छरछुक, और इसके मिठाई के डब्बे में आज मेढक छरछुक छुक 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 छुक। आ ये क्या, शैतान कहीं का, हाँ मुझसे मजाक? हाँ सर, उस डब्बे में मैंने सीता भोग और मैं ही दाना ही देखा था सर, मगर पता नहीं सर मेढक कैसे आ गया। अभी तुम्हें पता चलेगा। हाँ आ, सर छोड़ो ना सर, अब ऐसा गलती नहीं होगा सर। सचमुच टब्बू, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, आखिर मैं टब्बू हूँ ना। Thank you.
महाराज विक्रमादित्य, मैं सुना हूँ कि आप बहुत ही विद्वान, बुद्धिमान एवं विलक्षण व्यक्ति हैं, फिर भी आप मूर्ख की भांति मुझे कंधे पर लादे हुए चुपचाप चलते जा रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। रास्ते में कहानी सुनते सुनते आपकी थकावट दूर होगी और रास्ता भी सुगमता से कटेगा। कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। सही उत्तर जानते हुए भी अगर आप चुप रहे तो उसी क्षण आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, और अगर आप सही उत्तर दे देंगे तो मैं फिर से अपने उसी पेड़ की डाल पर चला जाऊंगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूँ। निश्चितपुर एक बहुत गरीब गांव था। निश्चितपुर गरीब होकर भी सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे गांववासी। उस गांव में बहुत ही गरीब परिवार का एक लड़का था रघु। बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था रघु। विधवा माँ के साथ रहता है रघु। बेटा सुनो। अरे बाप रे, उठ उठ, कुछ काम धंधा भी तो किया कर। दिन भर सोता रहता है, कुछ काम करने का कोशिश तो कर। एक विधवा माँ पे तेरा कुछ दया नहीं आता। अरे बाप रे, उठ उठ, कुछ काम धंधा भी तो किया कर। दिन भर सोता रहता है। ओह, फिर सुबह सुबह शुरू हो गई आप, सोने दीजिए मुझे। हाँ, अरे खेलने तो जा सकता है, दोस्तों के साथ जाके थोड़ा खेल लोल, थोड़ा शरीर तेरा ठीक रहेगा। दिन भर खाना खाता है और सोता रहता है, अपना चेहरा तो देख। एक विधवा माँ पे तेरा कुछ दया नहीं आता। बैठ। क्या माँ, शांति से आप सोने भी नहीं देती हैं? हाँ रघु, ओ रघु, देख देख तेरे दोस्त लोग आ गए हैं। जा जा बेटा जा, बाहर जाके खेल थोड़ा थोड़ा, बाहर जा तो। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या रे, फिर सो गया क्या सुबह सुबह? देख देख तेरे दोस्त लोग आ गए हैं। जा 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 रहा हूँ, जा रहा हूँ। उफ, कितना चिल्लाते हैं आप। क्या हुआ, आ क्यों नहीं रहा? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। यही ठीक है, जंगल में जाकर निश्चिंत होकर सो जाऊंगा। अरे नींद पूरा हुआ तेरा, चल चल चल। रघु की नींद एक आश्चर्य वाली नींद थी। वह जब सोता था एक सपना देखता था, और उसका सपना हमेशा सच होता था। लेकिन यह रघु की दुर्भाग्य थी, उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता था। अरे क्या हुआ, रुक क्यों गया, आज खेलना नहीं है क्या? तुम लोग जाओ, मैं यहाँ सोऊंगा। ओए, फिर से तू सोएगा, जाके मर, यहीं पे सो, हम लोग जा रहे खेलने, समझा ना? हाँ तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे सो जाता हूँ। बहुत नींद आ रही है। बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ हाँ, निताई। निताई निताई। हाँ, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ? जरूर सपना देखा होगा। क्या रे, क्या हुआ? हाँ सुनो, तुम लोग उस जंगल के तरफ बिल्कुल मत जाना। क्यों, क्या है वहाँ पर? वहाँ पर भयंकर पेड़ है। ओह,
सपना देखा है ना, सब जानता। मत जाओ मत जाओ, सुनो मेरी बात, उधर मत जाओ। खेलने के बाद घर में लकड़ी ले जाना है, नहीं लेकर जाऊंगा तो माँ मुझे बहुत मारेगी, समझाना। हाँ चल यादव। विश्वास ही नहीं किया, पता नहीं आगे क्या होगा। हाँ ए कुल्हाड़ी दे मुझे, पेड़ पर चढ़कर कुछ लकड़ियां काटता हूँ। ये ले पकड़। हाथ दे मुझे, पेड़ पर मत चढ़ना, मैं लकड़ी काट कर दूंगा, उसे बांध कर रखना, लकड़ी उठाना। ठीक है तू पेड़ पर चढ़। कितना खतरनाक है। बचाओ 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 मुझे, मुझे काटने आया है, मैं तुझे खा जाऊंगा। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भागो भागो, भाग 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 यहाँ से, जल्दी भाग जल्दी जल्दी। अगर उस वक्त उसकी बात मान लेते तो हम लोग आज नहीं फंसते। हाँ रघु, जो घटना होने वाली होती है वो तुझे पहले से कैसे पता चल जाता है? ये देखो फिर से ये सो गया, इतना जल्दी कैसे नींद आ जाती है इसे। अब जमींदार बाबू को एकदम सही जवाब दूंगा। क्या बोल रहे हैं रहमान? ठीक ही बोल रहे हो हरी भाई। वो बोल रहा था मेरा जमीन ले लेगा। कैसे ले लेगा? उसके बाप दादा कहेगा कैसा हुआ है मेरा फसल। सोने जैसा हुआ है फसल तुम्हारा, तो अब तुम जमींदारों का पैसा चुका दो। हरी काका क्या हुआ है बताओ ना। क्या बोलूं बेटा, वह जमींदार बोल रहा है अगर खजना नहीं दोगे तो अपना जमीन मेरे नाम कर दो। हाँ क्या बोल रहे हो चाचा, अब क्या कीजिएगा आप? सच में यह जमींदार ना बहुत बड़ा शैतान है। दोस्त इतना आसान है क्या? इस बार का फसल मेरा सोने जैसा हुआ है, कल ही धान काटूंगा और उसे बेचूंगा और उस बदमाश को अच्छी तरह जवाब देकर आऊंगा। क्या समझ रखा है मुझे? हाँ सच में जमींदार ना बहुत बड़ा शैतान है। हाँ ए तेरा नींद खुला क्या रे? क्या हुआ ऐसे क्यों बैठा है? हाँ क्या रे, तेरा नींद पूरा नहीं हुआ है क्या? नहीं यार, एक बहुत बुरा सपना देखा हूँ। हाँ फिर से सपना देखा हूँ। बोल रहा है? हाँ रे मैं साफ साफ देखा हूँ। तू कोई अच्छा सपना नहीं देख सकता है क्या? जब भी देखता है तो बुरा ही सपना देखता है क्यों? चल चल जल्दी चल, अभी जाकर हरी चाचा को यह बात बता देते हैं। हाँ वो हमारी बातों का विश्वास नहीं करेंगे बल्कि मजाक उड़ाएंगे। चल पहले बता तो देते हैं। चलो तब। ना ना रघु सपना देखा है। मैं उसकी बात सुनकर रात भर जगकर खेत की पहरेदारी करूंगा। उस लड़के का काम क्या है, दिन भर खाएगा और सोएगा। हरी चाचा बात मानिए, वह जो भी सपना देखता है ना उसका सारा सपना सच हो जाता है। जाओ जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से, सुबह उठकर मुझे धान काटना है। दया सर्वनाश हो गया, आज तुम बच्चों की बात सुनते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरा सारा फसल जल गया। क्या करूं मैं इस लड़के का, सिर्फ दिन रात सोता रहता है,
कोई काम धंधा नहीं है, ना ही खेलने कूदने जाता है। पता नहीं क्या करूं मैं मर जाऊं। रघु, ओ रघु, घर पे नहीं हो क्या? हाँ, क्या हुआ है बेटा? क्यों बुला रहे हो तुम रघु को? क्या हुआ है बेटा? माँ जी, आप हैं घर में, अच्छा हुआ। सुनिए, राजमहल में एक काम के लिए तंदुरुस्त जवान लड़का चाहिए, तो मुझे रघु की बात याद आई, इसलिए आया हूँ यह बात बताने के लिए। आपकी क्या राय? हाँ हाँ बेटा, करेगा करेगा, रघु काम करेगा। कब से जाना पड़ेगा बेटा? जितना जल्द हो सके राजमहल भेज दीजिएगा। हाँ अच्छा, अब मैं चलता हूँ। रघु, अरे रघु, उठ बेटा, उठ बेटा, उठ उठ। ओ, क्या हो गया अब? सुन बेटा, राजमहल में तेरे लिए काम आया है, जा जा, तू जाके बात विचार कर ले। मैं नहीं जाऊंगा। जा, नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? नहीं जाने से मैं मर जाऊंगी तो क्या करेगा? ओह, परेशान करके रख दिए। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। जा जा बेटा, जा जा, जल्दी जा बेटा। जा रहा हूँ। हे माता रानी, इसको काम में लगा देना। तंदुरुस्त लग रहे हो, आज से ही काम पर लग जाओ। हाँ, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुनो, सारी रात पहरेदारी कर रही होगी, सो मत जाना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सोऊंगा, एकदम बिल्कुल नहीं सोऊंगा। हे भगवान, ये ऐसा ही काम मुझे देना था। हाँ, और क्या कर सकता हूँ, करना तो पड़ेगा ही। हाँ, सारा राज्य सो रहा है और मैं अकेला जग कर पहरा दूंगा। हाँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा सा सो लूं। चलो सारथी, चलो जल्दी चलो। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। बचाओ 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 बचाओ। हा हा, चलता हूँ महामंत्री। महामंत्री जी, महामंत्री जी, महामंत्री जी, रुक जाइए। हाँ, हाँ, क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रहे हो? कौन है वो, पहले तो नहीं देखा। महाराज, ये रघु है, कल से इसे पहरेदारी पर रखा गया है। ये क्या बोलना चाहता है? महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मतलब तुम्हें बता कर जाऊंगा क्या? हाँ, जाओ अपना काम करो। बताइए महाराज, यह जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, इससे आपका मंगल होगा। ओह महाराज, मथुरा जा रहे हैं? रोज सुबह जाते हैं। नहीं महाराज, आज मत जाइए। क्या, क्यों नहीं जाऊंगा? बताओ मुझे। जंगल के रास्ते आपके ऊपर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, आप दानव के हाथ में फंस जाएंगे, मत जाइए महाराज। तुम्हें कैसे पता? महाराज, कल रात को मैं सपना देखा हूँ। ओ, तुम पहरेदारी नहीं करके सो रहे थे? हाँ महाराज, मैं थोड़ा सो गया था और तभी मैं सपना देखा हूँ कि आप मथुरा गए हैं और आपका रथ एक खाई में गिर गया है और आपको एक दानव ने पकड़ लिया है। वह बोल रहा था कि मैं बहुत भूखा हूँ, आपको खा जाऊंगा। तुम सपना देखे हो और मैं तुम्हारा बात मानकर मथुरा नहीं जाऊंगा? हाँ, चलो सारथी। जानता हूँ महाराज, फिर भी एक बार आप मान जाते। क्या महामंत्री, आप भी? ठीक है महाराज, लेकिन आज आप अकेले ना जाएं, कुछ सैनिकों को साथ ले जाएं। लेकिन मथुरा तो मैं अकेले ही जाता हूँ, आप तो जानते हैं महामंत्री, ये कोई नई बात नहीं है। जानता हूँ महाराज, फिर भी एक दिन मान जाते। ठीक है,
भेजो साथ में सैनिकों को। घने जंगलों में आ पहुंचे महाराज। हैं ये क्या? बचाओ, में गिर गए हैं। बचाओ, निकालेंगे कैसे? तो चलो जल्दी निकालते हैं महाराज को। ये क्या, इतना बड़ा दानव? मैं तुम्हें खा जाऊंगा महाराज। प्रहरी, मारो जल्दी, मारो जल्दी, भागो। आज तुम्हारी वजह से मेरे प्राण बच गए। महामंत्री रघु को 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दिए जाए। जैसी आज्ञा महाराज। ये लो रघु। धन्यवाद धन्यवाद महाराज। और दंड स्वरूप तुम्हें राजमहल से अभी बर्खास्त किया जाता है। बोलिए तो महाराज, उस रघु को महाराज अपने प्राण बचाने के लिए पुरस्कार स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिए और साथ ही साथ दंड स्वरूप राजमहल की नौकरी से बर्खास्त क्यों कर दिए? बैताल, रघु सो गया और सपना देखा और महाराज के आने वाली विपदा से पहले ही सतर्क कर दिया, जिसके फलस्वरूप महाराज के प्राण बच जाते हैं। इसलिए महाराज पुरस्कार स्वरूप रघु को 1000 मुद्राएं देते हैं और दूसरी तरफ रघु को राजमहल की नौकरी से निकालते हैं, क्योंकि उसका कर्तव्य यह था कि रात भर जगकर पहरेदारी करना, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, वह अपना फर्ज नहीं निभाता, इसलिए महाराज उसे दंड स्वरूप सजा देते हैं। महाराज, आप बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, इसलिए अब मैं चला महाराज। हरिपुर के विद्यालय में एक दासु था। वही दासु जो जगबंधु दीनानाथ के हाथ पैर तोड़ा था। दासु का चलना फिरना देखकर, बात विचार सुनकर पागल जैसा लगता था, इसलिए विद्यालय के बच्चे पागल दासु कहते थे। दासु का बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन दासु गुस्सा नहीं होता था, बल्कि वो बहुत खुश होता था। हमारे गांव में जब सब अमावट बनाते हैं तो सब मुझे बुलाते हैं। तू अमावट खाता है? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर? जब वो लोग अमावट छत पे सुखवाते हैं, तब मैं छत पे चढ़कर एक बार देख के आता हूँ, तब कौआ भाग जाता है और सारे आम सुखाने वालों को पहरा भी नहीं देना पड़ता है। परीक्षा में कुछ दिन बाकी था। एक दिन दासु अपने पापा का कोट और पैंट पहनकर जोकर जैसा बनकर स्कूल आया, तभी बच्चे देखकर बोले, ओए दासु, तू अचानक कोट पैंट पहनकर क्यों आया है? तुम लोगों को समझ में नहीं आया ना, मैं चाहता हूँ मैं भी अच्छा इंग्लिश पढ़ सकूँ, लिख सकूँ, इसीलिए कोट पैंट पहनकर आया हूँ। कुछ दिनों बाद की घटना। कुछ दिनों से दासु एक ब्रीफकेस लेके आता था। यही देखकर हिंदी के सर दासु से पूछे, दासु,
ब्रीफ केस में क्या है? जी मेरा सामान है। सामान? दासो, तुम्हारा कैसा सामान? हाँ सर, इसके पास तो कॉपी, पेन, किताब, पेंसिल सब कुछ है, फिर कैसा सामान सर? कान खोल के सुन लो, मेरे सामान में हाथ मत लगाना तुम लोग। सुन, कुछ देखा है तू? नहीं, मुझे लगता है उसमें खाने का सामान होगा। उसमें खाना है। हाँ, लेकिन आज तक मैं आधी छुट्टी में उसे कुछ खाते हुए नहीं देखा हूँ। मुझे लगता है उसमें उसका पैसा होगा, इसीलिए अपने पास रखता है। पैसा इतना सारा वो विद्यालय में क्यों लाता है? वो कोई बिजनेस करेगा क्या? आधी छुट्टी का घंटा पड़ते दासू दौड़ते दौड़ते भोला के पास आया। भोला को बोला, भोला मेरा ब्रीफकेस का चाबी तू अपने पास रख, मैं अपना ब्रीफकेस गार्ड को देके जा रहा हूँ। अगर मेरे आने में देरी हो जाए तो मेरा चाबी तू गार्ड को दे देना, ठीक है? ठीक है। यही मौका है, चल भोला चल, उसका ब्रीफकेस खोल के देखते हैं। हाँ हाँ चल चल। रहा उसका ब्रीफकेस। हाँ, खोल जरा देखूं क्या है इसके अंदर। लंच बॉक्स है इसमें, देखना उसमें क्या लिखा हुआ है। ज्यादा चालाकी करने से बेवकूफ बन जाते हैं। क्यों, शक दूर हो गया तुम लोगों का? उस दिन पागल दासू अपना दिमाग लगाकर सारे बच्चों को बेवकूफ बना दिया। बहुत दिनों से मछली नहीं पकड़ी है। कांटे ने तो रोना धोना शुरू कर दिया है गुरु। ठीक है ठीक है, पहले इस बाटलू को संभाल लेता हूँ, नहीं तो मछली पकड़ना बंद करवा देगा। जा दो टब का जुगाड़ कर ले। सामान जोर से पटकना उस टीम के डिब्बे के ऊपर, उसके बाद देखना बाटलू का मजा। एक दो तीन, ये क्या हुआ? ये कैसी अद्भुत आवाज है, कौन है रे? देखो तो, पानी का टब यहां किसने रखा? जरूर दोनों बिच्छू का काम है। रुक, मजा चखाता हूं। अब जाकर हम कामयाब हुए। कितने टाइम बाद बदला ले पाए हैं हम। पहले इसने हमको पानी में डुबोया था और आज हमने। अब चलो भागे। कांटा ले लो दोनों।
लेकिन गुरु बैटल तो हम दोनों को ढूंढने तालाब के किनारे आएगा, तब फिर हाँ तब क्या करेंगे बता तो। ठीक कहा, कुछ और तो सोचना ही पड़ेगा। आइडिया, बाटुल भैया के यहाँ से आज चिकन की खुशबू आ रही थी। ओह, फिर तो मजा आ जाएगा गुरु। चलो चलो चलो, दूसरे रास्ते से जाते हैं। चलो चलो, बाटुल भैया के घर में इस रस्सी के सहारे खिड़की से घुस जाते हैं। चल चल चल। बेटा गाने में मशगूल है, देखिए कांटा फेंक कर कैसे चिकन रोस्ट खींचता। सॉलिड खाना है क्या रे, बड़े मजे मजे से खा रहा है। चक्रवर्ती जी, आपने किसी लौंडे को इधर उधर से जाते देखा है? कैसे नहीं पहचान पाऊंगा, आप है हमारे मोहल्ले के गर्व। बाटुल भैया कैसे हैं आप? इस बहरे से बात करते हुए लौंडों को ढूंढने में मुझे देरी हो जाएगी। ठीक हो, भागता हूँ। भाई बच्चू बिच्छू को आप लोगों ने देखा है? हाँ देखा था, तालाब के किनारे उन दोनों को जाते देखा था मैंने। रुक जाओ, एक दिन तुम्हारा तो एक दिन मेरा। लौंडो को तालाब के किनारे नहीं देखा तो ये लोग गए कहाँ? घर जाके देखता हूँ। क्या जी बाटुल भैया, इतनी धूप में कहाँ चल दिए? और कहा, सुबह सुबह इन दोनों लड़कों ने मुझे खूब परेशान किया है, उनको जरा सबक सिखाना पड़ेगा, इसलिए उनको ही ढूंढ रहा हूँ। अरे बा, आप उनको ढूंढ रहे हैं? वो तो आपके घर में बैठे हैं। है? है? मैं तो साफ साफ सुन पा रहा हूँ, वो तो खुश होकर मीट दबा कर खा रहे हैं। है? मीट है? मेरी हड्डी पुसली चबा के खा गए? खाना बनाने वाले ठाकुर को उल्लू बनाकर मेरी ही लाई हुई मीट खा रहे? जाता हूँ। एकदम ठीक, नाला एक काटा फेंक करके चिकन उठा रहे, सबक सिखाता हूँ। अरे खाओ ना, बाटलू का खाना है लजीज। भाग्यवश लंब करना उसके साथ नहीं है, वरना तो वो तो बता ही देता कि हम दोनों कहाँ है। उसके हाथी जैसे कान यहाँ और किसी के भी नहीं है, लेकिन वहाँ तो बोलना पड़ेगा, क्या कहते हो? मैं भी मछली पकड़ूंगा, पर कांटे से नहीं बल्कि पकड़ से, ताकि एक साथ दो सर मिले। आओ बेटा, तुम्हें पानी में डुबाया था, इस बार अलग तरह से डुबाऊंगा, और उससे भी सीख नहीं मिली तो अभी नहीं बताऊंगा। पकड़े गए रे, प्लान फिर से फेल हो गया। ये लो।
हाँ।